हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के 5 ऐसे स्थानों की जो आज तक वैज्ञानिकों के लिए भी एक रहस्य बने हुए हैं। आइए जानते हैं इन रहस्य से भरे स्थानों के बारे में। नंबर 1, ज्वालाजी मंदिर। हिमाचल के कांगड़ा जिले में प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक ज्वालाजी का मंदिर है। यह भारत के रहस्यमय स्थानों में सूचीबद्ध है। इस मंदिर के अंदर खोखले पत्थर के बीच से एक आग की लौ जल रही है, जो कि 100 वर्षों से अभी तक बिना किसी सामग्री के जल ही रही है। नंबर 2, इडुक्की। केरला में आकर्षक तटीय कड़ी इडुक्की या लाल क्षेत्र एक मनमोहक प्राकृतिक वैभव के साथ भारत के रहस्यमय स्थानों के रूप में प्रसिद्ध है। इडुक्की में लाल रंग की वर्षा सबसे पहले 25 जुलाई सन 2001 को हुई थी और 2 महीने में समय समय पर हुई है। खून सी लाल मूसलाधार बारिश के बाद जब स्थानीय लोगों द्वारा जमीन पर गिरे हुए पानी को एकत्रित किया गया तो वह साफ पानी में बदल गया। यह लाल रंग की वर्षा वैज्ञानिकों के लिए अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। नंबर 3, कोंग का दर्रा या कोंग का ला। भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। कोंग काला दर्रे 16,970 फुट की ऊंचाई पर भारत और चीन के बीच एक विवादित क्षेत्र है और यही कारण है कि यहाँ कम से कम लोग पहुँचते हैं। यह दर्रा भारत में सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक है। स्थानीय लोगों और यात्रियों का दावा है कि यहाँ UFO दिखाई देना आम बात है। पहले तो इन बातों पर ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन जून 2006 में गूगल के सैटेलाइट से ली गई फोटो से यह बात सामने आई कि यहाँ वास्तव में UFO दिखाई दिया गया है, जिसने लोगों को चौंका दिया। नंबर 4, शनि सिंगणापुर। शनि सिंगणापुर अहमदनगर से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटा सा गांव है। यहाँ प्रसिद्ध शनि मंदिर भी है। शनि सिंगणापुर गांव के घरों, स्कूलों और यहाँ तक कि इस गांव की किसी भी इमारत में कोई दरवाजा नहीं है। इसके बावजूद यहाँ एक भी अपराध नहीं होता है। गांव में चोरी जैसी अपराधों की दर 0 है। नंबर 5, करणी माता का मंदिर। यह एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर देशनोक में स्थित माता के मंदिर में चूहों को अत्यधिक शुभ माना जाता है। यहाँ चूहों की पूजा और रक्षा की जाती है। चूहों को पूर्व जन्म, रिश्तेदार और करणी माता के परिवार के सदस्यों के रूप में माना जाता है। वास्तव में सफेद चूहों को करणी माता के बेटों के रूप में पूजा जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे और भी रहस्य से भरे स्थानों और व्यक्तियों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।